फिगर्स ऑफ स्पीच ऐसे पढ़ेंगे कि बिल्कुल इसका ऑपरेशन कर देंगे, ठीक है, धज्जे उड़ा देंगे फिगर्स ऑफ स्पीच की। तो आज तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच में ले जाने से पहले ले चलता हूं ग्रीस में, ठीक है। मजा तभी है जब इसको पूरी बारीकी से समझा जाए। ग्रीस में जब भी आप सुनते हैं कि क्लासिकल लिटरेचर और ये सब चीजें, तो आपको कुछ नाम तो जरूर आते हैं याद, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, कुछ ऐसे नाम सुने आपने? सुकरात, यस सर सुने। ठीक है, अरस्तु और प्लेटो, इन तीनों का तो सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। तो इसमें सबसे खतरनाक, जो ऐसे कह रहा हूं नॉलेज के मामले में, ये मत सोचना कोई माफिया तड़ी पार, जो सबसे जबरदस्त नॉलेज के मामले में जिसने कुछ दुनिया को जबरदस्त चीजें दी, जिनको जहर दिया गया पीने को, वो सोक्रेटिस थे, सुकरात। और इनके बहुत सारे जो है बड़े अच्छे लिटरेचर हैं, ठीक है, वो सब पढ़ने चाहिए। तो सुकरात ने उस समय एक बहुत ही शानदार चीज शुरू की, और वो शानदार चीज क्या थी कि किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके एक जगह पे ये सुकरात खड़े हो जाते थे, और वहां पर लोगों की जो है एक दो लोगों को पकड़ के किसी बात पे डिस्कशन शुरू कर देते थे, और थोड़ी देर में उनके जो बातें होती थी, लोग इतना प्रभावित होते थे कि उनके चारों ओर लोगों का घेरा बन जाता था, और सुकरात बोलते चले जाते थे, जो लोग प्रश्न पूछते चले जाते थे, और सुकरात उनके डिस्कशन करते चले जाते थे। लोग इतने इंप्रेस होते थे उनके हर आंसर से, क्योंकि वो इतना लॉजिकल होता था और इतना लाइफ की रियलिटीज के क्लोज होता था। तो धीरे धीरे सोक्रेटिस के फैंस की संख्या बिल्कुल कितनी तादाद में पहुंच गई, खुद उन्हें ही नहीं पता था। और ये सब चीजें राजा के लिए बहुत भारी पड़ गई, क्योंकि राजा ने को लोगों ने भड़का दिया, जो सुकरात से जेलस थे, कि ये तुम्हारे खिलाफ लोगों को तैयार कर रहा है, एंड ही माइट बी डेंजरस फॉर यू, एंड ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन कैप्चर द थ्रोन, ठीक है, ही कैन बिकम किंग। तो इसी वजह से उनने एक मुकदमा चलाया गया उन पे झूठा, और देशद्रोह का और ये सब, और फिर उन्हें जहर दिया गया। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब इसलिए बता रहा हूं कि ये जो डिबेट या डिस्कशन करते थे, उस डिस्कशन में क्या होता था, यहीं से शुरू होती हैं चीजें। देखो, जब भी कोई डिस्कशन होता है, खासकर डिबेट, तुमने बेकन का एक कथन सुना होगा जिसमें वो कहा गया है कि मेक्स यू कॉन्फ्रेंस मेक्स यू ए रेडी मैन, याद आ रहा है? ऑफिस कॉन्फ्रेंस स्टडी में जाना। मेक्स यू अ रेडी मैन, ऑफ स्टडीज का है, ऑफ स्टडीज का उसका एक ऐसे है, ठीक है। तो ये जो डिबेट है, ये कॉन्फ्रेंस का ही एक रूप है। अब देखिए क्यों कहा है, क्योंकि जब डिबेट या डिस्कशन होता है, लोग अपने तर्क उछालते हैं, और तुम्हें उनको तर्कों को अगर जीतना है, तो अपने तर्क ज्यादा स्ट्रांगली बोलने पड़ेंगे। तो जब तुम आप ज्यादा स्ट्रांगली बोलते हो, या किसी भी डिबेट को अगर तुम्हें जीतना हो, तो तुम्हें चाहिए किसमें सबसे बहुत अधिकार, बढ़िया लैंग्वेज पे बहुत अच्छा अधिकार चाहिए। यू मस्ट हैव ए ग्रिप ओवर लैंग्वेज। अगर तुम्हें याद हो कि तुम्हारे स्कूलों में जो डिबेट या डिस्कशंस होते थे, यहाँ वो पहले तो बच्चों को कहते हैं डिबेट प्रिपेयर करो, ठीक है। डिबेट एक बिल्कुल खुला खेल है, जहां पर आपको अपनी नॉलेज को बड़ा पढ़ना होता है, और आर्ग्यूमेंट एंड आप ऑन द स्पॉट करने वाले हैं, ये असल में डिबेट है। लेकिन हम लोगों के वहां ऐसा होता है कि डिबेट पहले रटा दी जाती है, खूब रटाई जाती है, और फिर वो उस दिन वहां बोलता है, जो रट के सही बोल लेता है वो बढ़िया स्पीकर, और उसको इनाम मिल जाता है। लेकिन फिर भी मैं उसी डिबेट पे लेके चलता हूँ आपको, समझ लो अरिस्टो, ये सोक्रेटिस डिबेट नहीं कर रहे हैं, समझ लो दो लोग स्कूल में डिबेट कर रहे हैं। तो एक इस तरीके का बच्चा आता है जो कहता है कि हेलो एवरीवन, वी ऑल आर गैदर्ड हियर टू डिस्कस ऑन द टॉपिक, ठीक है, या टू प्रेजेंट अवर ओपिनियंस ऑन द टॉपिक दिस दिस दिस, एंड एज फार एज माई ओपिनियंस आर कंसर्न, आई वेहमेंटली अपोज द मोशन, ठीक है। और या फिर दूसरा कहता है, आई एम इन फेवर ऑफ द मोशन, और वो फिर बोलना शुरू करता है।
और वो बोलना शुरू करता है जिस तरीके से, तो वो बोलना जो है बहुत सिंपल होता है एक का, कि वो कहेगा अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ इंडिया दैट रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 1996 इट वाज नोटिस्ड दैट मोस्ट ऑफ द पर्संस हु आर इन्वॉल्वड इन ड्रग एडिक्शन आर फ्रॉम दिस मिडिल क्लास एंड आर ऑफ द विक्टिम्स ऑफ लोनलीनेस और इग्नोरेंस फ्रॉम द पेरेंट्स, कुछ ऐसे बोलना शुरू करता है। एक आता है दूसरा व्यक्ति और वो आता है और वो बड़े स्टाइल से अपने हाव हाव के साथ वो शुरू करता है लैंग्वेज को। हेलो, आई वेलकम यू ऑन दिस सनी मॉर्निंग व्हेन माय एनिमीज और माय ओपोनेंट्स आर ट्राइंग टू रेज देयर आईब्रोज ऑन एवरी पॉइंट्स व्हाट आई एम जस्ट अटरिंग ओवर हियर and that what the next point which I am going to actually throw upon them is going to increase their headache, I suppose that, ठीक है। तो ये जो ये भाषा है ना उसकी, सब ताली बजाने लगते हैं क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज बुनने का तरीका है कि अगला पॉइंट जो मैं फेंकने वाला हूँ, अभी तक तो वैसे ही लोग अपनी आईब्रोज, अब जो दूसरा पॉइंट में डालने वाला हूँ वो तो उनका सरदर्द बढ़ा देगा, ठीक है। और दे माइट फील सम बटरफ्लाइज ऑन देयर स्टोमक, लेट मी डिस्कस व्हाट आई एम गोइंग टू गिव दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, ठीक है। एंड दिस इज द रिपोर्ट व्हिच माय वर्दी अपोनेंट वाज एक्चुअली जस्ट क्राइंग फ्रॉम द स्टेज दैट दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। तो इस तरीके से कुछ बोलता है और फिर वो अपने ओपिनियन लाता है, तो वो कुछ इम्प्रेसिव स्पीकर लगने लगता है। बोलो, इन दोनों में तुम्हें कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है बोलने में? Yes, sir. अब इन दोनों डिफरेंस में कौन सी चीज है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है? लैंग्वेज और जिस तरीके से वर्ड्स को उसमें पिरोया गया है, वीविंग की गई है, ठीक है। और जो ये लैंग्वेज हम पिरो रहे हैं इसमें, उसके अंदर एक खास बात हो रही है कि वो जो चीज हम सिंपली बोल सकते थे उसको बहुत डेकोरेटेड तरीके से सामने ला रही है, बड़ी स्टाइल से, और लोग सुन के इंप्रेस हो जा रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई मीन टू से? ठीक है, तो सुकरात का सबसे फेमस होने का और सब तर्कों को काटने का सबसे ज्यादा जो रीजन था बड़ा, वो ये था कि वो अपने शब्दों को, अपने लैंग्वेज को इस शानदार तरीके से मास्टरी के साथ पिरोता था दैट पीपल यूज्ड टू लिसन टू हिम इन अ स्पेल बाउंड वे, ठीक है। और ये जो तरीका है ये उस जमाने में ग्रीस में ये खास अंदाजे बयां जो होता है, उर्दू में से अंदाजे बयां कहते हैं, जिसमें शब्दों को एक खास तरीके से पिरोया जाता है जिससे वो ज्यादा से ज्यादा कन्विंसिंग लगे, तो इसको ग्रीस में कहा गया उस समय रेटोरिक। और रेटोरिक एक साइंस की तरह डेवलप हो गया। उन्होंने कहा कि लेट माय चाइल्ड, किंग ने कहा लेट माय चाइल्ड ट्रेन इनटू रेटोरिक्स, कि मेरे बच्चे को रेटोरिक्स में ट्रेन कर दो, यानी कि तर्क वितर्क सीख जाए, बोलना सीख जाए। तो ये जो रेटोरिक्स था इसका काम था लैंग्वेज को रिफाइन बना के और लैंग्वेज को बहुत बढ़िया तरीके से सिर्फ कन्विंसिंग बनाना, कन्विंस करना, मोर कन्विंसिंग, फोर्सफुल, ठीक है, मोर कन्विंसिंग या फोर्सफुल, ये इसका मेजर काम था। अब जब भी आप फोर्सफुल या कन्विंसिंग बनाएंगे तो आपकी भाषा आम लैंग्वेज से तो दूर होगी, यूजुअल एक्सप्रेशन से दूर होगी, क्योंकि आप बहुत फोर्सफुल और कन्विंसिंग बनाएंगे उस मैटर को, तो आप ऑर्डिनरी लैंग्वेज से कुछ अलग बुनेंगे, ठीक है, और उसके लिए आप कुछ खास तरीके यूज करेंगे। तो इन्हीं तरीकों को जो आप किसी चीज को मोर कन्विंसिंग बनाने के लिए यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, यस सर। एक पोएट जब पोयम लिखता है, ठीक है, तो एक ने सीधे सीधे बात कह दी, एक ने बहुत जबरदस्त बात कही, वही सीधी बात को उसने कहने के तरीके से बदल दिया तो वो बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अब
तुम ये कह सकते हो, जब तुम ये कह सीधे सीधे कह सकते हो कि कुछ ऐसा काम करके जाओ यार लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद रखें, एक ये बात हो सकती है भाई, ठीक है, कि तुम्हारे विचारों से लोग प्रेरणा लें, ये एक बात है। अब भगत सिंह आते हैं, वो कह देते हैं हवाओं में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे। अब यही चीज उन्होंने बोल दी है भाई, अब तुम्हें कौन सा कन्विंसिंग लग रहा है ज्यादा, ये बताओ। हेलो, यस सर। हाँ, ये बीच में इंटरप्ट हो गया था, बेसिकली रिकॉर्डिंग चल रही है ना। यस सर। तो मैंने क्वेश्चन पूछा था, तो कौन सा ज्यादा कन्विंसिंग लग रहा, भगत सिंह वाला या सिंपल बोला वाला? आपकी वॉइस नहीं दिया हमें। ओके, मैं कहता हूं ना, दो लोग हैं, एक ने कहा भाई तुम कुछ ऐसा काम करके जाओ प्रेरणादायी हो और लोग तुम्हें मरने के बाद भी याद करें, तुम्हारे से आइडियाज लें लोग अपने, ठीक है, प्रेरणा लें। और वही भगत सिंह ऐसे कह देता है कि हवाओं में रहेगी मेरे ख्यालों की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे, यानी कि इवन आफ्टर माई डेथ द स्पार्क ऑफ माई आइडियाज विल फ्लोट इन टू द एयर एंड पीपल विल ड्रॉ इंस्पिरेशन आउट ऑफ देम। तो कौन सा बढ़िया लग रहा है तुम्हें बोलने में? ठीक है, ऑब्वियसली दूसरा बहुत गजब लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उसमें शब्दों को बहुत फोर्सफुल तरीके से जो अंदाजे बयां हैं वो बड़ा गजब का है, ठीक है, इसीलिए तो गालिब कहते हैं हो और भी दुनिया में सुकनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाजे बयां और है, ठीक है। तो ये अंदाजे बयां जो होता है किसी भाषा का और किसी शब्द के अंदर वो कन्विंसिंग फोर्स को पिरोना, उसके लिए जो हम यूज करते हैं डिवाइसेस, उन डिवाइसेस को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। और ये हार हैं, डेकोरेटिव गार्लैंड्स हैं भाषा के, ठीक है, तो इनको हार कह सकते हैं आप भाषा में, ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन, अब बताओ? नो सर। मैं तुम्हें बिल्कुल जड़ में ले गया फिगर ऑफ स्पीच के, ठीक है। तो अब फिगर ऑफ स्पीच पे हम, कविता पंत उनियाल आ चुकी है, ठीक है, अभी अभी एंट्री ली है। हाँ तो कविता मैम, हेलो, 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 हाँ कविता मैम, आप लेट क्यों हुई हैं? सर एक्चुअली कोई आ गया था घर पे। ठीक है, अभी ऐसा है, अभी तो टॉपिक चल रहा है, लास्ट में ये सब लोगों की डिमांड है कि आपसे गाना सुनना है, ठीक है। आप तब तक सोच लीजिएगा कौन सा गाना गाएंगे, ठीक है। इससे पहले तो क्या हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ, फिगर ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं और अब मैं पॉइंट लिखा रहा हूं पहला। तो लिखिए अ फिगर ऑफ स्पीच। हेलो, हाँ जी सर, ये रेटोरिक समझ तो आ गया है, बट इसको वन लाइन में डिफाइन कैसे करेंगे? मैंने बता तो दिया, द लैंग्वेज और द वर्ड, द लैंग्वेज बाय विच वी मेक आवर स्टेटमेंट मोर कन्विंसिंग एंड फोर्सफुल। ये यहाँ ब्लू में करा है, देखिए, ठीक है, आवर स्टेटमेंट मोर कन्विंसिंग एंड फोर्सफुल, ये है रेटोरिक्स, ठीक है। एंड फॉर विच अ राइटर और पोएट यूजेस ऑफ द टूल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है, तो इसके लिए फिगर ऑफ स्पीच को यूज करता है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। अभी मैंने बताया था जो डेली की भाषा है उससे कुछ अलग होता है, डिपार्चर उससे दूर जाना, फ्रॉम द यूजुअल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग द मीनिंग क्लियरर, यानी कन्विंसिंग, मेकिंग द मीनिंग क्लियरर, मोर फोर्सफुल
मोर कन्विंसिंग एंड कह सकते हैं मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल भी सुनाई देता है, ठीक है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच की आप मतलब समझते हैं, क्योंकि ये हाईली इफेक्टिव होते हैं और ये क्लैरिटी लाते हैं, ब्यूटी लाते हैं अटरेंसेस में। तो इनको हम फिगर ऑफ स्पीचेस आर आल्सो कॉल्ड ऑर्नामेंट ऑफ स्पीच, आभूषण, ऑर्नामेंट्स ऑफ स्पीच, किसी भी बोलचाल के आभूषण है, ठीक है। तो जितने पोएट आदमी हैं ये इनको लगातार यूज करते हैं, ठीक है, और इस तरीके से वो अपनी भाषा को सुदृढ़ बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और ऐसी भाषा को, इसीलिए आपने एक वर्ड सुना होगा कि फिगरेटिव लैंग्वेज, तो फिगरेटिव लैंग्वेज यही होती है जिसमें हम फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज करते हैं, वो साहित्यिक हो जाती है और उसमें कई चीजें जो है बड़ी ऑर्नामेंटल बनती है और भाषा बहुत ही इंप्रेसिव और कन्विंसिंग बनती है, वही फिगरेटिव लैंग्वेज होती है। तो बोलो इतना क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब फिगरेटिव, अब कभी कई अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि कभी भी कोई राइटर, पेपर सेटर किस लेवल का है इस पर डिपेंड करता है, वो क्वेश्चन जितना डीप समझता होगा उतना बढ़िया क्वेश्चन दे देगा। तो कभी एक क्वेश्चन आ गया कि अमंग द फोर ऑप्शन विच इज कॉल्ड द रिटोरिकल फिगर्स, चार ऑप्शन में से कौन सा रिटोरिकल फिगर्स है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें सतर्क कर दूं कि रिटोरिकल फिगर्स की अगर वो बात करेगा तो रिटोरिकल फिगर्स और कुछ नहीं बल्कि फिगर ऑफ स्पीच का ही दूसरा नाम है, रिटोरिकल फिगर्स। तो उन चारों ऑप्शन में आपने फिगर ऑफ स्पीच को छांटना होगा। बोलो क्लियर हो गया? yes, sir. और रिटोरिकल फिगर्स क्यों कहा गया इसे, अब तुम्हें वो भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वो फिगर्स हैं उस स्पीच के अंदर जो उसको कन्विंसिंग बना रहे हैं ज्यादा, ठीक है, इसलिए वो रिटोरिकल फिगर्स हैं। क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं फिर। यस सर, ठीक है। अब आते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जो मेन तरीके के होते हैं उनमें बारी बारी चलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, लोग तो पता नहीं क्या क्या समझते हैं, पर मेरी समझ में और जितना मैं पोएट्री को समझाऊं, लिटरेचर को, पूरी दुनिया में मेटाफर से इंपॉर्टेंट कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, ठीक है। तो अभी हम उस पर भी आएंगे, पहले हम सिमिली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और तभी हमें उसका डिफरेंस भी पता चलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी चीज आती है, जो टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीचेस हैं, उसमें मैं नंबर वन में आता हूं, सिमिली। बहुत आसान सिमिली है जो बचपन से आपको सबसे आसान लगता है और आप करते चले आए हैं। तो होता क्या है कि हमारे जितने भी इंडियन गाने हैं और वो इंडियन फिल्मी डायलॉग्स हैं, उसमें सिमिली बहुत यूज होता है, और पहले की पोएम्स में बहुत यूज होता था। और सिमिली के बिना बेसिकली लिटरेचर में जो है बहुत अधूरापन आ जाता। तो सिमिली है क्या चीज? सिमिली यह है कि इसमें बेसिकली ये होता है कि हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक नंबर वन, नंबर टू, और इन दोनों चीजों के बीच में हम करते हैं एक डायरेक्ट कंपैरिजन। इनके बीच में एक डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि नंबर वन ब्लैक है, ठीक है, और नंबर दूसरी चीज कोई ब्लैक ही चीज है, क्योंकि जो सिमिली होता है वो हमेशा यूज करता है दो ऐसी चीजों को जो गुण में तो समान हो सकती हैं
लेकिन फिजिकल फॉर्म में वो बहुत अनलाइक होती है. एक तो ब्लैक मैन है सपोज, कोई नीग्रो है, और एक आदमी है ही नहीं, एक मैं कह रहा हूं कोल है. ठीक है, ये तो जिंदा चीज है और ये जो है मृत चीज है. अब ये दोनों बहुत अनलाइक हैं, लेकिन इनमें एक क्वालिटी सेम है कि दोनों ब्लैक हैं. तो ऐसे अनलाइक चीजों में जब हम किसी चीज को लेकर डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी गुण को लेकर, तो सिमली होता है. तो ही इज एज ब्लैक एज कोल. तो एक तो एज आता है सिंबली में, और दूसरा आता है लाइक, कि ही अपीयर्स लाइक ए कोल, लाइक अ पीस ऑफ कोल. ठीक है, तो इन दोनों इसमें लाइक आया. तो एज और लाइक इसमें बहुत आसान है. एज और लाइक वो दो टूल हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सिंबली है. ठीक है, तो ये बहुत आसान है. तो जैसे हम इसमें कोई एग्जाम्पल दें, तो एक और एग्जाम्पल हो सकता है, माई डॉटर डांसेस लाइक एन एंजल. लाइक एन एंजल. ठीक है, और तुमने देखा होगा वर्ड्सवर्थ की एक पोएम, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, सुना है? यस सर, डेफिनेटली. लोनली एज ए क्लाउड कौन सी पोएम है? ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज है, इसलिए हम डायरेक्ट जंप करेंगे अब नंबर टू पे, मेटाफर. सिमली सबको आ गया? यस सर. अब क्या है, मेटाफर के केस में थोड़ा डिफरेंट है. सबसे पहले कि अगर मैं बच्चों से पूछता हूं कि मेटाफर क्या होता है, तो सबसे पहले जो आप आंसर देते हो वही और भी देते हैं. मेटाफर में जो है इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, तुम कंपैरिजन कहते हो ना इसमें. एक्चुअली मेटाफर में कंपैरिजन नहीं होता, ये ट्रांसफर हो जाता है डायरेक्ट. ठीक है, कैसे देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अभी मैं इसको बहुत गहराई में ले जाने वाला हूं. जिस भी लिटरेचर वाले ने ये फिल्म नहीं देखी तो उसने समझो कुछ नहीं देखा. इल पोस्टिनो, नाम सुना है कभी? नोट कर लो, कहीं नहीं देखा फिर सर. हाँ फिर कुछ नहीं देखा सर, नहीं देखा हमने. हाँ फिर कुछ नहीं देखा, समझ गए. ये इटालियन मूवी है. इल पोस्टिनो का मतलब होता है द पोस्टमैन. अब तुम फिर से पढ़ना भाई, तुमने कुछ नहीं देखा. ठीक है, अब देखो इस फिल्म में तुमने पेब्लो नेरुदा का नाम सुना है? यस सर. खासकर उन्होंने तो सुना होगा जो बच्चों को पढ़ाते हैं. इसमें एक पोयम है कि लेट अस काउंट करके कुछ एक पोयम है, ये वाली पढ़ी होगी तुमने, कीपिंग क्वाइट. यस, ठीक है. ये पेब्लो नेरुदा दुनिया का सबसे बड़ा लव पोएट माना जाता है, इंग्लिश में चिली का था ये. ठीक है, और पेब्लो नेरुदा एक अच्छा पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी था. तो इस फिल्म में दिखाते हैं कि वो एक आइलैंड में आया है कुछ दिनों पॉलिटिक्स से हटके, और आराम से कुछ लिखना चाहता है और इत्मीनान से. तो उस आइलैंड में, इसमें फिल्म भी मैं भी सिर्फ आपको तीन चार ही करेक्टर दिखेंगे. एक समुद्र के किनारे है वो, आइलैंड भी नहीं है, एक समुद्र के किनारे एक जगह है बहुत बढ़िया, लेकिन वो जगह ऐसी कि आप समुद्र के किनारे पहाड़ में पहले खड़ी चढ़ाई
चढ़ते हैं और यहाँ पर वो बंगला है जहां पर वो रह रहा है, उसने अपना फोन ऑन सब बंद कर रखा है जो पीएनटी वगैरह है, और यहाँ जो है उससे चिट्ठी के थ्रू ही लोग मूव कर सकते हैं। ये और इसकी वाइफ यहाँ है और अपनी सारी किताबें वगैरह लेके यहाँ आ गए। इसकी सारी डाक लेके एक साइकिल में रोज एक पोस्टमैन आता है, जहां तक वो जा सकता है वहां तक आता है, फिर चढ़ के जाता है और यहाँ आता है। तो जब भी वो पोस्टमैन वहां पहुंचाने जाता है, खत तो देखता है, या तो एक किताब पढ़ रहा होता है या फिर कुछ म्यूजिक सुन रहा होता है, या बढ़िया मोजार्ट वगैरह की म्यूजिक लगा के अपनी वाइफ के साथ डांस कर रहा होता है, या फिर कभी किस कोई पोयम सुना रहा होता है। ये सोचता है करता क्या है ये आदमी, इतनी किताबों और इसमें क्या करता रहता है, कभी लिख रहा है। तो एक दिन पोस्टमैन बहुत ही गजब का, वो पोस्टमैन का जो रोल निभाया है जो आदमी ने, वो दुनिया का बेस्ट एक्टर है, मैं भूल रहा हूँ, और उसको कितने ऑस्कर अवार्ड मिले हैं। तो पोस्टमैन एक दिन कहता है, व्हाट डू यू डू डेली विद दीज बुक्स एंड दिस ऑल, और ये क्या लिखते रहते हो, पोएट्री क्या होती है? तो पेब्लो नेरुदा सिर्फ एक आंसर देता है, वो कहता है, आई क्रिएट मेटाफर्स, आई क्रिएट मेटाफर्स। अगला क्वेश्चन भाई का, व्हाट इज मेटाफर? तो कहता है, मेटाफर आप कैसे समझाएं? कहता है, समडे यू विल मेक मेटाफर एंड यू विल फील इट, इट इज ओनली टू फील। और कहता आप क्या बताऊं यार भाई को मेटाफर? तो कहता है, किसी दिन बना लोगे मेटाफर, जिस दिन मेटाफर बन जाएगा तो एक पोयम बन जाएगी। अब वो पोस्टमैन अपना सर खुजाता है, चले जाता है। वो पोस्टमैन रोज एक रेस्टोरेंट में जाके खाता है, और उस रेस्टोरेंट में जो रेस्टोरेंट मालिक की लड़की है वो वहां खाना वगैरह परोसती है और काउंटर में रहती है। तो लड़की उसको जो है की ओर वो अट्रैक्ट हो जाता है, और वो लड़की भी उसे देख के रोज एक तरीके से बहुत इन्फेचुएटेड फील करती है। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं, और एक दिन ये इसको ऐसा लगता है, वो इसको देख के मुस्कुराती है और इससे कुछ हंस के बात करती है। तो ये जाता है और समुद्र के किनारे इसकी छोटी सी घर है, उसकी खिड़की पे जाके ये समुद्र को देखता हुआ, डूबता सूरज है खूबसूरत, और उस लड़की के उस स्माइल को याद करता है, और उसके अपने पास आने को याद करता है जब वो खाना लेके आई थी। तो वो कहता है, ओ द बटरफ्लाईज ऑफ माई, द बटरफ्लाई ऑफ माई ड्रीम केम नियर मी, कुछ ऐसे करके एक लाइन बनाता है। पहली बार वो इस तरीके के अजीब से शब्द यूज करके लाइन बनाता है, और वो उसको लिख लेता है। वो कहता है, ये क्या था? तो अगले दिन वो जाता है चिट्ठी देने, तो कहता है, इज दिस ए पोयम? तो कहता है, यस माई डियर फ्रेंड, यू हैव क्रिएटेड अ मेटाफर, लेट्स हैव ए वॉक एंड डिस्कस मोर। तब वो दोनों समुद्र किनारे वॉक करते हैं और फिर पोएट्री की बातें करते हैं। तो दिस इज इंटरेस्टिंग वन। तो मेटाफर का मतलब यही होता है कि इस बार भी दो लोग हैं, लेकिन इस बार पहले व्यक्ति को एंटायरली दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर दिया जाता है, ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है। सबसे बड़ी चीज है मेटाफर किसी भी पोएट्री के अंदर। तो इसके लिए अपने मोहल्ले का एग्जाम्पल बहुत अच्छा रहेगा कि हमारे मोहल्ले में एक ने बहुत लंबे बाल कर लिए थे जिन दिनों संजय दत्त हिट चल रहा था, समझ रहे हो, लॉन्ग हेयर। अब उसका नाम था आपका, अब ओरिजिनल नाम नहीं बताता हूं, क्या पता तुम जानो, मान लिया उसका नाम पूरन था, ठीक है। तो अब तुम जब वो भी हमारे मोहल्ले से गुजरता था तो लोग पूरन ना कह के कहते थे, आ गए संजय दत्त जज फार्म के, ठीक है, आ गए भाई संजय दत्त जज फार्म का, ठीक है। तो आप पूरन